नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो सबसे पहले तो आप सभी को आपके पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है। और मेरी तो यही मनोकामना है कि आप सभी चार गुना में आएं और सब्जेक्टिव पेपर में बैठें और हम साथ मिलकर सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करें और फिर इंटरव्यू की तैयारी करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमें पेपर अटैम्प्ट करते समय कौन सी गलती नहीं करनी है और किस तरीके से करना है। वैसे तो आप सभी बुद्धिजीवी हैं, हो सकता है मेरे से बेहतर जानते हों, लेकिन जो मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से सीखा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात, कई कैंडिडेट क्या गलती करते हैं कि जैसे ही मतलब पेपर करने के लिए बैठते हैं, सबसे पहले OMR शीट भरने में ही गलती कर देते हैं। अपना नाम, रोल नंबर, जो भी भरना होता है वही मिस्टेक कर देते हैं और उनका सारा जो मूड होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। गलत करने से अच्छा होता है हम किसी से पूछ के कर लें, ठीक है। तो पहली गलती ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात आती है कि हमें, मान लीजिए हमें क्वेश्चन पेपर मिल गया, ठीक है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आए हैं, तो आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपने नहीं होना है। अगर आपने देखा, ये मक्खी कैसे आ गई, अगर आपने देखा कि पेपर बहुत मुश्किल है, तो पेपर सभी के लिए मुश्किल है, आसान है तो सभी के लिए आसान है। तो मुश्किल देख के हाय तौबा बिल्कुल भी नहीं मचानी है, ठीक है। आराम से पेपर को पढ़ना है। अब बात आती है कि हमें गोले काले करने में भी कई लोग गलती कर देते हैं। कई बच्चों को मैंने ये गलती करते हुए देखा है अपने ही पेपर के साथ कि वो क्या करते हैं, पूरा पेपर क्वेश्चन पेपर पर हल कर लेते हैं, लेकिन समय की तरफ ध्यान ही नहीं देते। और लास्ट में जब पेपर पकड़ने वाले हो जाते हैं तो कहते हैं कि हमने पेपर में कुछ नहीं भरा, ये हो गया वो हो गया। तो ये गलती भी नहीं करनी। आप जैसे अपने तरीके से करते हैं वो भी तरीका अपना सकते हैं, नहीं तो आप जैसे 100 नंबर का पेपर है, आप 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं और 25-25 प्रश्न करके आप अपनी OMR शीट में भर सकते हैं। और जब भी आप अपना आंसर OMR शीट में भरें तो पहले चेक कीजिएगा कि मैं सही क्वेश्चन का सही आंसर सही नंबरिंग में ही भर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात आती है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं और आंसर के जो ऑप्शन होते हैं उसको देखने लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल होती है। पहले आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और लास्ट में देखना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, नहीं में जवाब पूछा है, जहाँ हाँ में पूछा है। कई बार यहाँ भी गलती हो जाती है, तो ये चेक करना है, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे ऑप्शन आपने पढ़ने हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई ऑप्शन आपने आधा पढ़ा और आपको लगा कि यही आंसर है और फटाफट से कर दिया, ये गलती भी नहीं करनी है। उलझना बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन पूरा पढ़ना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर आंसर पे पहुंचना है, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। और नेगेटिव मार्किंग है आपको पता है, तो इसके लिए आपने लालच नहीं करना, लालच बिल्कुल भी नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये दो ऑप्शन में हम अटक रहे हैं, हो सकता है सही हो जाए, तो ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। लालच नहीं करना है, जो आपको लगे कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन आता है उसी को ही करना है। ज़्यादा भी नहीं छोड़ने, मतलब अपने स्मृति पे जोर देना है ताकि आप आंसर पर पहुंच सकें। और एक बात मैंने अपने अनुभव से जो सीखी है कि पहली नज़र में हमें अगर कोई लगता है कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है तो आंसर वही होता है और हम भूलवश गलत आंसर पर पहुंच जाते हैं। ये भी गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ पहले पढ़ी है तो एक बार हमारा दिमाग उस तक हमें लेके जाता है, ठीक है। तो यही बातें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। आपके पास इससे अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं भी तो आपके साथ पेपर देने जा रही हूँ। अंत में फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है। और कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम आप पंजाबी हो, तो मैं आपको जवाब देती हूँ कि मैं बिल्कुल प्योर पंजाबी हूँ, ठीक है। तो लास्ट में मैं दस दी हूँ कि मैं बिल्कुल पंजाबी हूँ और अपनी जी पंजाबी भाषा होंगी, मतलब कोई भी भाषा होंगी, अपनी मातृ भाषा होंगी है, उसका अपनी जी दूसरी भाषा होंगी उस लैंग्वेज होंगी है, उससे असर भी जरूर रहा है। हो सकता है मेरे बोलने से आप लगता हो कि मैं बिच पंजाबी यूज़ करती हूँ, तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं पंजाबी ही हाँ, प्योर पंजाबी हूँ, ठीक है। तो फिर भी चलो लास्ट में कहते हैं कि आपका पेपर अच्छा जाए, मिलते हैं फिर पेपर के बाद, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, गुड बाय।